हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ही मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ये कम, ज़्यादा या आसपास हो सकती है। वी यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन अवर डेली कन्वर्सेशन। हम अपने डेली कन्वर्सेशन में नीचे दिए गए कुछ पॉसिबिलिटीज़ के वर्ड हमेशा यूज़ करते रहते हैं। प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड हम डेली अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते रहते हैं। वी नो दैट अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच। हमें पता है क्रिकेट मैच शुरू करने से पहले टॉस किया जाता है। जब एक कॉइन टॉस किया जाता है तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो आएगा हेड या आएगा टेल। सो हेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। कॉइन टॉस करने के बाद सिर्फ, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हेड और टेल आने की हैं। थ्रो डाइस वंस। एक डाइस हमें एक टाइम फेंकना है। ये जो आपको डाइस दिखा रहा है वो एक टाइम फेंकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस। ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है अपर फेस पे डॉट आने की। अपर फेस पे जो ब्लैक डॉट आने वाला है उसकी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो आएगा वन, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। ईच ऑफ दिस इज़ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। ये जो हमें ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर दिख रहे हैं इनमें से ही एक रिजल्ट आपको डाइस फेंक करने के बाद मिले। सो हियर देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें 6 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। कार्ड्स के एक पैक में 52 पत्ते होते हैं। तो हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड देयर आर 4 सेट्स। हर पैक के कार्ड में 4 सेट्स होते हैं। एक होता है हार्ट कार्ड का सेट, दूसरा डायमंड कार्ड, ब्लैक कार्ड के सेट में होता है क्लब कार्ड का एक सेट और स्पेस कार्ड का एक सेट। हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं, यानी 13 हार्ट कार्ड, 13 डायमंड कार्ड, 13 क्लब कार्ड और 13 स्पीक कार्ड। हर सेट में किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस कार्ड, ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं। सारे 52 पत्ते आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड को हम चित्र वाला कार्ड कहते हैं जिसपे आपको किसी प्रकार की इमेज दिखाई देती है, उसे फेस कार्ड कहा जाता है। किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड। किंग, क्वीन एंड जैक को फेस कार्ड कहते हैं। किंग का कार्ड इस प्रकार से दिखाई देता है, क्वीन का कार्ड इस प्रकार से दिखाई देता है और जैक का कार्ड इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इन इच पैक ऑफ कार्ड देर आर 4 कार्ड्स अपिंग। हर पैक के कार्ड में 4 कार्ड किंग के होते हैं, 4 कार्ड क्वीन के होते हैं और 4 कार्ड जैक के होते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। एस कार्ड, 4 एस कार्ड होते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट इसे बादाम का इक्का कहते हैं, एस ऑफ क्लब इसे चिड़ी का इक्का कहते हैं, एस ऑफ डायमंड इसे ईट का इक्का कह सकते हैं, ऐसा स्पेड इसे स्पीक का इक्का ऐसा कहते हैं। सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। सैम्पल स्पेस यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसका जो आउटकम होता है उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसे एस या लेटर से दिखाया जाता है। इवेंट, अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक सिंगल रिजल्ट, जैसे हम कोई कॉइन फेंक रहे हैं तो उसका एक सिंगल रिजल्ट जो हमको दिखाई दे रहा उसे कहा जाता है इवेंट। इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। हियर एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन अ इवेंट और एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के सारे पॉसिबल आउटकम्स को एन ऑफ एस कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम, एक टेबल बना लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस एंड
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस किया है। जब भी हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस मिलता है एस इज इक्वल टू सेट ऑफ एच कॉमा टी, यानी यहाँ पे हेड और टेल ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। एन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको दो, तो इसे लिखते हैं एन ऑफ एस इज इक्वल टू टू। सेकंड नंबर का एक्सपेरिमेंट है, टू कॉइन्स आर टॉस, तो दो कॉइन एक साथ टॉस करने के बाद हमें सैंपल स्पेस एस मिलेगा। एस इज इक्वल टू सेट ऑफ एच एच कॉमा एस टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एन ऑफ एस इज इक्वल टू फोर। थर्ड एक्सपेरिमेंट है, थ्री कॉइन्स आर टॉस, तीन कॉइन एक साथ टॉस करने के बाद हमें सैंपल स्पेस मिलेगा। एस इज इक्वल टू एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एस टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा एस टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी टी टी। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपको दिखाई दे रहे हैं एट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एन ऑफ एस इज इक्वल टू एट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, डाइस इज थ्रोन, एक डाइस थ्रो करने के बाद हमें सैंपल स्पेस मिलता है। एस इज इक्वल टू सेट ऑफ वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। इस प्रकार से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें दिखाई दे रहे हैं सिक्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में लिखेंगे एन ऑफ एस इज इक्वल टू सिक्स। हियर यहाँ पे हेड इज डिनोटेड बाय एच, हेड को एच से दर्शाया गया है, एंड टेल इज डिनोटेड बाय टी, यहाँ पे कॉइन के टेल को टी से दर्शाया गया है। अ कॉइन एंड डाइस आर थ्रोन, एक कॉइन और डाइस एक साथ थ्रो करने के बाद हमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज मिलेगी। एक कॉइन और एक डाइस थ्रो किया गया है तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे लिखना है। सैंपल स्पेस है हमारा, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू सेट ऑफ एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एच सिक्स, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव एंड टी सिक्स। इस प्रकार से हमको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दिखाई दे रहे हैं ट्वेल्व, तो इसे हम लिखते हैं एन ऑफ एस इज इक्वल टू ट्वेल्व। टू डाइस आर थ्रो, दो डाइस एक साथ थ्रो करने के बाद सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो सैंपल स्पेस मिलेगा हमें एस इज इक्वल टू सेट ऑफ वन कमा वन वन कमा टू वन कमा थ्री वन कमा फोर वन कमा फाइव वन कमा सिक्स टू कमा वन टू कमा टू टू कमा थ्री टू कमा फोर टू कमा फाइव टू कमा सिक्स थ्री कमा वन थ्री कमा टू थ्री कमा थ्री थ्री कमा फोर थ्री कमा फाइव थ्री कमा सिक्स फोर कामा वन फोर कामा टू फोर कामा थ्री फोर कामा फोर फोर कामा फाइव फोर कामा सिक्स फाइव कामा वन फाइव कामा टू फाइव कामा थ्री फाइव कामा फोर फाइव कामा फाइव फाइव कामा सिक्स सिक्स कामा वन सिक्स कामा टू सिक्स कामा थ्री सिक्स कामा फोर सिक्स कामा फाइव सिक्स कामा सिक्स। तो इस प्रकार से हमको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दिखाई दे रहे हैं 36, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ बेयरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25, एक पैक में 1 से 25 नंबर के कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड हमें निकालना है, तो हमें सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या मिलेगी। तो हमारा सैंपल स्पेस एस बनेगा, एस इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर टू डैश 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 अप टू 25। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं 25, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ऑफ एस इज इक्वल टू 25। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, अच्छी तरह से पीसे हुए 52 पत्ते के कार्ड में से एक कार्ड हमें निकालना है। तो देखते हैं हम सैंपल स्पेस एस और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 52। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें दिखाई दे रहे हैं 52, हम इसे लिख सकते हैं एन ऑफ एस इज इक्वल टू। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।